नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत, आपके साथ मैं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर, मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड और यूसीसी के खिलाफ झारखंड के आदिवासी संगठन गोलबंद हो रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में आज कई केंद्रीय सरना समिति और कई आदिवासी संगठन रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों ने बीजेपी के आदिवासी प्रेम को छलावा बताया है। उनका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर केंद्र सरकार आदिवासियों का हक छीनना चाहती है, लेकिन इसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले आदिवासी संगठनों ने राजभवन के पास धरना प्रदर्शन भी किया था और आने वाली 30 जुलाई को बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको बताया कि केंद्रीय सरना समिति घेराव कर रहा है, आदिवासी संगठन का ये घेराव कार्यक्रम। और इस पर अधिक बातचीत के लिए लाइव चैट पर हमारे सहयोगी राजेश बीजेपी कार्यालय के बाहर से जुड़ रहे हैं। राजेश, आज जो है रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय का घेराव करने आदिवासी संगठन पहुंचे हुए, कैसा वहां माहौल है, क्या कुछ उनकी जो है मांगे है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? देखिए, केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन था और बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसका घेराव करना था। हरमू मैदान में सभी को इकट्ठा होना था और वहाँ से बीजेपी कार्यालय जो हरमू बाईपास रोड है वहीं पर इनका घेराव करना था, लेकिन प्रशासन मुस्तैद था। उस बीजेपी कार्यालय से पहले ही चौक पर उसे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके, और अभी जो स्थिति है वो अरेस्ट कर लिया गया है इन लोगों को जो सड़क जाम कर रहे थे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर अरगोड़ा थाने का के पास का दृश्य है। हम अपने कैमरामैन कैसे कहेंगे कि थोड़ा और भी ये देखा, इस सभी को हिरासत में ले लिया गया है सड़क जाम करने के लेकर। थोड़ा देर इन लोगों ने जाम किया, थोड़ी स्थिति विकट हो गई, लेकिन कहीं कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, अरगोड़ा थाना है, अरगोड़ा थाना हम कहेंगे कि अरगोड़ा थाना दिखाए, जरा ये अरगोड़ा थाना ले आया गया है सभी प्रदर्शनकारियों को, और जो जाम लगा हुआ था उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, स्थिति को नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का घटना आए दिन न हो, आए दिन न हो, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक इतना घटना आदिवासियों यहाँ पर मनवटी एसटीएससी ओबीसी के ऊपर हो चुका है, इसी के खिलाफ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले दिन में अगर इसी तरह का घटना होता रहेगा तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं तो चैलेंज करता हूँ बीजेपी के नेताओं को, रांची से लेकर दिल्ली तक जो भी यहाँ पर बीजेपी के नेता है, माँ का दूध पिया है, इस आदिवासी को हम प्रसाद पर दिखा दे, हम लोग तुरंत उसको एक्शन और रिएक्शन दिखा देंगे और उसको सेंद्र कर देंगे। सेंद्र क्या होता है दादा, जरा हिंदी में का मतलब होता है, ये बताइए। दौड़ाना, ज्यादा दौड़ा दौड़ा के मारने वाला काम होता है, उसी को कहते हैं सेंद्रा। बीजेपी का नाम झारखंड में कई ऐसी घटनाएं हुई जो आदिवासियों के खिलाफ, लेकिन नहीं किया, कहीं राजनीति हो रही है? राजनीति करते हैं राजनीति पार्टी, हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग जो भी घटना घटता है उसका विरोध करते हैं और आने वाले दिन में देखे होंगे शुरू से जब से झारखंड अलग हुआ तब से हम लोग आज तक विरोध करते आ रहे हैं। जो भी घटना घटती सरकार किसी का भी हो, जो भी गलत हो रहा उसका हम लोग विरोध करेंगे। अब यूसीसी पर भी आप लोगों का क्या कहना है? यूसीसी पर हम लोग कहना है उसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि यूसीसी पर हम लोग आदिवासी के ऊपर जो रूढ़िवादी परंपरा है से बाबा सिद्धू अम्बेडकर के संविधान के द्वारा हमारा अधिकार है वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, उसका भी हम लोग पूरा विरोध करते हैं। आप लोगों को हिरासत में ले लिया गया? हिरासत में दे रहे हैं हम लोग कुछ गलत नहीं किया। अरे हम लोग चाहते हैं कि हिरासत में क्या जेल भेज दे, और जेल भेजने से मन न करे तो हमें फांसी दे दे, लेकिन हमारा ये आवाज और ये जुबान कभी रुकेगा नहीं, हक और अधिकार के लिए हमेशा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो घटना घटी उसको लेकर प्रदर्शन है, आप लोगों को पता है किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आप नहीं पता है इन्हें, आइए सुनिए। ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं आप लोगों की क्या मांग है, क्या विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, मगर प्रशासन के द्वारा हमें रास्ते पर ही रोक दिया गया। ये हमारे ऊपर तो ऐसे भी प्रताड़ना है,
इसे हम आदिवासियों के ऊपर प्रताड़ना ही कहेंगे। मुद्दा क्या है विरोध का? विरोध का मुद्दा यह है कि एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा के नेता के द्वारा पेशाब किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो हम यही मांग करते हैं यहाँ की भाजपा सरकार से या केंद्र सरकार से कि मोदी जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दे। अगर आप आदिवासियों को सम्मान नहीं दे सकते, इज्जत नहीं दे सकते, उनके लिए न्याय नहीं कर सकते, तो आप अविलंब इस्तीफा दीजिए, हमारी यही मांग है। तो ये देखिए प्रदर्शन, बहुत सारी महिलाएं भी है यहाँ पे, और ये क्या क्या आप तो बोलते बोलते थक गई है, क्या क्या चाहती है? आप लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया, आप लोग सफल रही अपना संदेश देने में? हम लोग चाहते हैं सर, जो भाजपा के नेता हैं, हम आदिवासियों को बहुत कमजोर समझते हैं, इसलिए अभी तक वो लोग जो पेशाब किया है आदिवासी में, वो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? उसका घर भी बुलडोजर से कुछ नहीं, ये कहावत है कि वो घर उसका बुलडोजर से उड़ गया है, ये कहावत है, सिर्फ वो दिखा रहे हैं कि मेरा घर उड़ गया है, ये कतई नहीं हुआ है, उड़ाया नहीं गया है। चाहते क्या है? हम लोग चाहते है कि जो आदिवासी पर पेशाब किया है उसको फांसी का सजा दिया जाए। ये आक्रोश दिख रहा है जो आदिवासी समाज के लोग हैं। ये प्रदर्शन किया गया और भाजपा कार्यालय का घेराव करने का जो कार्यक्रम था, ठीक है, भाजपा कार्यालय से पहले ही रोक दिया गया और इन्हें डिटेन कर लिया गया है, अरगोड़ा थाना लाया गया है। तो एक तरह से इन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया कि जो मध्य प्रदेश में घटना घटी है वो बिल्कुल गलत है आदिवासी समाज के लिए, और ऐसे घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम बातचीत के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की, और कार्रवाई नहीं की बल्कि एक मुख्यमंत्री उस आदिवासी का पैर छुए, क्या कहते हैं, पैर धोए और फिर माफी भी मांगे, और जिन्होंने जो इस प्रकार के कुकृत्य किया था उसके ऊपर कार्रवाई किए, उनके घर तक को छोड़ा गया। मैं तो कहूंगा कि जो लोग यहाँ जुलूस के लिए बात कर रहे हैं घेराव की, भाई उन सारे लोगों को तो यहाँ हेमंत सोरेन के घर को घेरना चाहिए, और मुख्यमंत्री से उन लोगों को ये डिमांड करना चाहिए कि झारखंड में 5,000 से करीब अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित हुई है, उसमें से आधे से अधिक तो ट्राइबल महिलाएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।